खीर तो आपने बहुत बार खाई होगी, लेकिन ये आज हम अलग फ्लेवर की खीर बना रहे हैं, कैरेमल खीर। तो चलिए देखते हैं हमने इसे कैसे बनाया है। एक कढ़ाई में हमने 1 लीटर फुल फैट दूध लिया है। अब गैस जलाएंगे और गैस को मीडियम हाई पे रखेंगे और एक उबाल आने देंगे। दूध में उबाला आ गया है, अब गैस को लो मीडियम पे कर देंगे और इसमें ये 1/4 कप हमने टुकड़े चावल लिए थे, इन्हें आधा घंटा भिगो के रखा था, इसका पानी निकाल दिया। खीर बनाने के लिए आप टुकड़े चावल का ही इस्तेमाल करें, बासमती का नहीं, तो यही चावल इसमें ठीक लगते हैं, वो अच्छे से घुल मिल जाते हैं दूध के साथ। अब इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। चावल डालने के बाद दोबारा इसमें उबाल आ गया है, अब इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे। ये हमने 15 काजू लिए थे, 15 बादाम लिए थे, उन्हें बारीक बारीक काट लिया था। थोड़े हम इसमें डालेंगे और बाकी के गार्निश के लिए रखेंगे। ये भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज्यादा। इसे फिर से स्टर करेंगे और खीर को तब तक पकाना है जब तक चावल और दूध अच्छे से मिक्स नहीं हो जाते और चावल नरम नहीं हो जाते। और बीच बीच में कड़छी चलाते रहेंगे, कड़छी जरूर बीच बीच में चलाते रहिए, नहीं तो नीचे से दूध नीचे लग जाएगा और आपका खीर का स्वाद बिगड़ जाएगा। गैस को हमने लो मीडियम पे रखा है। खीर को पकते 20 मिनट हो चुके हैं, 1/3 दूध रिड्यूस हो गया है और चावल भी नरम होने शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी दूध और चावल अच्छे से मिक्स नहीं हुए, अलग अलग दिख रहे हैं, इसलिए हम इन्हें और पकाएंगे। खीर को पकते आधा घंटा हो चुका है, ये देखिए चावल और दूध अच्छे से मिक्स हो गए, चावल भी हमारे नरम हो चुके हैं, ये देखिए। अब गैस को बंद कर देंगे और इधर कैरेमल बना लेंगे। एक पैन लेंगे, इसमें 1/2 कप चीनी डालेंगे और इसे फैला देंगे। चीनी को फैला दिया है, अब गैस चलाएंगे। गैस को हमने लो मीडियम पे रखा था, देखिए चीनी बीच में से मेल्ट होनी शुरू हो गई। इसे कड़छी से बिल्कुल नहीं हिलाना, पैन को ऐसे घुमा के सब तरफ से चीनी को मेल्ट करना है ताकि बराबर सब तरफ से एक जैसी मेल्ट हो जाए। चीनी काफी मेल्ट हो गई है, जो बाकी रह गई है पैन को ऐसे ही घुमा घुमा के उसे भी मेल्ट कर लेंगे। चीनी हमारी पूरी तरह से मेल्ट हो गई है, ये देखिए इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। इससे डार्क नहीं करना, नहीं तो आपका कैरेमल कड़वा हो जाएगा और आपकी खीर अच्छी नहीं बनेगी। अब इसमें 1/2 कप पानी मिक्स करेंगे। कैरेमल तैयार है, अब गैस को बंद करेंगे और इसे खीर में डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस को लो मीडियम पे कर देंगे और इसे 3-4 मिनट और पकाएंगे। कैरेमल डाल के हमने खीर को 5 मिनट और पकाया है, ये देखिए दूध और चावल अच्छे से मिक्स हो गए और थिक भी हो गई है, और ठंडी होने के बाद ये और थिक हो जाएगी। अगर आपको इसे गरम गरम खाना पसंद है तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। अब गैस को हम बंद कर देंगे और इसे बिल्कुल ठंडा करके फ्रिज में चिल्ड होने के लिए रखेंगे, क्योंकि हमें चिल्ड खीर पसंद है। हमारी कैरेमल खीर तैयार है, देखिए इसका कितना बढ़िया कलर आया है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। अब इसे काजू और बादाम के साथ गार्निश करेंगे। इसे आप गरम गरम भी खा सकते हैं, लेकिन हमें ठंडी खीर पसंद है, इसीलिए जब ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो हम इसे फ्रिज में रख के चिल्ड करेंगे और फिर सर्व करेंगे। आप इस खीर को ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए और हमें बताइए कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।